मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बलौदाबाजार जिले के बिलाईगढ़ विधानसभा क्षेत्र के टुंडरा नगर पंचायत पहुंचे। सीएम ने एक जनसभा को संबोधित किया और जांजगीर चांपा लोकसभा प्रत्याशी रवि भारद्वाज को भारी मतों से विजयी बनाने की अपील की। इस दौरान प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया, बिलाईगढ़ विधायक चंद्रदेव राय और राम सुंदर दास महंत समेत अन्य कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए प्रचार थम चुका है, लेकिन इससे पहले सभी राजनीतिक दलों ने प्रचार कर लोगों से वोट की अपील की। सूबे के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी बिलाईगढ़ के टुंडरा में एक जनसभा को संबोधित किया। सीएम ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार ने आम लोगों के लिए काम किया है, किसानों के लिए धान का मूल्य बढ़ाया और सरकार ने धान खरीदने का काम किया है ताकि किसानों को कोई परेशानी ना हो। सरकार बनने के बाद लोगों को 35 किलो चावल दिए गए। तो आपसे निवेदन कि पूरा देश में संदेश जाना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में किसान के ऋण माफी होए, बिजली बिल आधा होए, अब 2500 रुपये में धान खरीदी हो थे, पहले कह रहे तो 3/4 बहुमत आप मन दे रहे, अभी करके बता दें तो फिर 11 में से 11 लोकसभा जीतना चाहिए और दिल्ली में कांग्रेस के सरकार बना है और राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनाना है। तो आप सबसे निवेदन कि आने वाला 23 तारीख के पंजा में बटन दबा के कांग्रेस के प्रत्याशी जिता के दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बनाओ और पूरा देश के किसान मतलब संदेश भेजना है कि छत्तीसगढ़ वो राज्य जहां 2500 रुपये में धान खरीदी हो और से 11 लोकसभा जीते हैं ये संदेश। सीएम ने लोगों को कांग्रेस की न्याय योजना के बारे में बताते हुए कहा कि कांग्रेस गरीबों के लिए काम करती है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की ओर से गरीबों के लिए न्याय योजना के जरिए 1 साल में 72,000 रुपए देने का प्लान बनाया गया है ताकि देश की गरीबी दूर हो सके। सीएम ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी पिछले 15 सालों में प्रदेश का कोई विकास नहीं कर पाई। 15,000 हर गरीब परिवार जेकर इनकम 12,000 से कम है, हर साल 72,000 6,000 रुपया महीना, 200 रुपया प्रतिदिन और 5 साल में 3,60,000। 15 लाख तो नरेंद्र मोदी नहीं दी लेकिन राहुल गांधी जिन कैसे तेन करते सरकार बना दे गरीब परिवार ला 3,60,000 5 साल में जरूर। सीएम भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि पीएम अपने आप को पिछड़ी जाति का बताते हैं, आज तक पीएम की जाति पता नहीं चली, जहां जाते हैं वहां एक नई जाति का राग अलापने लगते हैं। बीजेपी प्रदेश में नक्सली घटनाओं का आरोप लगाती है, 15 साल बीजेपी का शासन रहा तब भी नक्सली हमले होते थे, सरकार नक्सलियों पर काम कर रही है। सीएम ने कहा कि झीरम घाटी कांड में हमने कई कांग्रेसी नेता को खोया है, ऐसे में क्या हम नक्सलियों से साठगांठ कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता कांग्रेस पार्टी पर बेवजह आरोप लगा रहे हैं। यदि कहीं आके किसी जगह जाति बात की बात करें, कि वर्ग बात की बात करें, अभी वो महाराष्ट्र में गए तो पिछड़े वर्ग को बोला, यहाँ आया तो साहू बन गए, फिर कभी चाय वाला बन जाते हैं, कभी चौकीदार बन जाते हैं, कभी माँ गंगा का बेटा बन जाते हैं। तो असली चेहरा क्या है, इसे मैं आईना भेजा था हूँ, तो आपका असली रूप क्या है ये तो देखें बताएं। आप वोट पाने के लिए किस स्तर पर गिरेंगे? और यदि कोई व्यक्ति कोई अपराधी है, यदि प्रज्ञा ठाकुर ने चाकू मारा और अपराध बंधे, क्या सभी ठाकुरों को बोल दें? क्या सभी ठाकुर अपराधी हो गए? यदि उन्होंने देश के साथ गड़बड़ी की है, नरेंद्र मोदी जी ने चोरों को भगवाने में मदद की है, लुटवाने में मदद की है, तो फिर उसके लिए वो दोषी है, पूरा समाज उसका दोषी नहीं हो सकता। वैसे रमन सिंह कहते हैं कि बेटा यदि अपराध करे तो बाप को सजा देना चाहिए, 5 साल पहले ही बोले थे, ये उसी प्रकार परिस्थिति के लोग। बहरहाल तीसरे चरण के लिए प्रचार थम चुका है, तीसरे चरण के लिए 23 अप्रैल को मतदान होना है, ऐसे में अब मतदाता ही तय करेंगे कि उनका नेता कौन बनेगा। टोटल न्यूज के लिए बालौदा बाजार से राजू निराला की रिपोर्ट।